बना करके ऊपर कर दीजिए आप। बिना लोभ बिना लालच सपत्र होकर करके मैं भारतीय जनता पार्टी में आज मैंने ज्वाइनिंग किया। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि गांव के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए और गांव के सम्मान के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए मैंने एक कदम उठाए। निस्वार्थ भाव से जो भावना लेकर के मैं चला हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा और निस्वार्थ भाव से मैं काम करूंगा। बचपन से मैंने अपने आप को आदर्श मानता था, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब मैं गाय चराया करता था उस समय से हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत याद करते थे क्योंकि घर में चर्चा हुआ करता था। और आज आदरणीय हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका हर गांव से जुड़ाव है और वो भी एक गांव से ही अपनी आवाज को दिए और हर गांव तक एक चीज पहुंचाना चाहता है, उनकी सोच हम जैसे गांव वालों के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है और उस सोच को हम लोग गांव तक लेके जाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में उनकी एक अलग पहचान भारत के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलता है। तो हम जैसे गांव वाले, हम जैसे छोटे किसान के किसानों के घर से निकले हुए छोटे से परिवार में पले बढ़े और हमारी भी सोच वही है कि हमारी गांव में खुशी और खुशियों का माहौल हो। आज मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर करके मुझे वो जरूर खुशी मिली जो हम बचपन से देखा करते थे और जो एक आस था। तो मैं सभी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में अपनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ भाव से मैं काम करूंगा। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ और तमाम हमारे सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। तमाम हमारे जितने भी संघ में सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संघ के जितने लोग हैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज पहली बार मैं कहीं ना कहीं बहुत लोगों का नाम मुझे ये नहीं है पर जरूर मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का आज से एक सिपाही होने के नाते पूरी ईमानदारी पूरी विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा गोरंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाइए, अभी रखो यार थोड़ा देर, तो भाई देर से नहीं आएगा सबका फोन आ ही जाएगा। धन्यवाद श्री गंगा नारायण सिंह जी। अब मैं आज के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित सबके नेता परमादरणीय श्री बाबूलाल मराठी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप आज के अवसर पर तो सर श्री बाबूलाल मराठी आज यहाँ पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री आदित्य साहू जी, सारठ से विधायक श्री रणधीर सिंह जी, देवघर से विधायक और जिला के अध्यक्ष श्री नारायण दास जी और संचालन कर रहे श्री शिवपूजन पाठक जी,
और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता विधिवत रूप से प्रदेश कार्यालय में योगदान किए श्री गंगा नारायण सिंह जी को मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गंगा नारायण जी के पार्टी के ज्वाइन करने से देवघर जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में पार्टी को एक मजबूती और एक ताकत मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं बैठ जाओ, कुछ लोग बोलते हैं बैठना नहीं है। चले।